सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर यहां पर फोटो सेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने व्हाट्सएप में जाते होगे तो या तो फिर अपने फ्रेंड के यहां पर से जाकर वॉलपेपर सेट कर लिए होते होंगे, बट आपको ये ट्रिक एक पता नहीं होता कि पूरे यहाँ पर मेरे मोबाइल के जो है व्हाट्सएप का है, इसमें होम स्क्रीन पर फोटो कैसे सेट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, बट आपको ट्रिक बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। सो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा एक काम कर देना है। तो क्या करना है गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेना है, एक प्यारा सा यहां से लाइक कर देना है, एक छोटा सा कमेंट कर देना है, अपने हिसाब से कुछ भी नाइस वगैरह कमेंट कर देना है। इतना करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जो है अपने होम स्क्रीन पर फोटो लगाने के लिए आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गाइस, आपको यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो आप फटाफट अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पर गाइस, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस, आपको यहां पर क्या करना होगा, उस फोटो को सेलेक्ट करना होगा जिसको कि आप स्क्रीनशॉट लिए थे। लेने के बाद आपको क्या करना है गाइज, स्क्रीनशॉट यहाँ पर फोटो को लेने के बाद यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आपको एक पिक्सल ऐप का जरूरत पड़ेगा, तो या तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इसे पिक्सल ऐप में यहाँ पर शेयर कर देना है। करने के बाद कुछ इस टाइप से इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन एंड यहाँ से सेट करने के बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज आपको यहां से एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिससे कि आप व्हाट्सअप के होम स्क्रीन पर यहां पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं वहां से एक फ़ोटो यहां पर सेलेक्ट करता हूं। सो गाइज, यहां पर आ चुका हूं अपने फिटनेस में एंड यहां से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। अपने हिसाब से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। एंड करने के बाद कुछ आपको इस टाइप से इसके साइज़ में आपको सेट कर देना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा साइज़ यहां से सेट कर लेता हूं। इतना करने के बाद गाइज, आपको इस फोटो को सेट करने के बाद आपको यहां से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद यहां से अल्ट्रा कर लेना है ताकि आपका फ़ोटो देखने में काफ़ी स्मूथ दिखे। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर आपको सेव कर लेना है। इतना करने के बाद गाइज, आपको एक छोटा सा और एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना होगा। तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कि डिजाइनर टूल्स। आपको कहाँ पर मिलेगा गाइज, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर डिजाइनर टूल्स क्लिक करना है। देख सकते हो गाइज, डिजाइनर टूल्स प्रो, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद गाइज, आपको उस एप्लीकेशन में चले जाना है। जाने के बाद गाइज, आपको एक नीचे के साइड में मोकअप ओवरले पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइज, आपको यहां पर एक प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप पोर्टन लगा सकते हो या लैंडस्केप लगा सकते हो। तो आपको यहां पर अपने व्हाट्सएप के यहां पर होम स्क्रीन पर लगाने के लिए यहां पर पोर्टन पर क्लिक करना है एंड अलाउ कर देना है। करने के बाद जो गाइज वहां से आप फोटो लिए थे, सिंपल से आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कुछ गाइज आपको इस टाइप से इंटरफेस दिख जाएगा, उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइज, देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल गया। अब चले जाना है अपने व्हाट्सएप में। तो गाइज, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने व्हाट्सएप में। सो गाइज, देख सकते हो कि यहाँ पर फोटो देखने को मिल रहा है। सो गाइज, मैंने यहाँ से डार्क नहीं किया, तो चले मैं यहाँ पर पहले डार्क कर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फोटो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। तो गाइज, इस टाइप से कुछ जो है व्हाट्सअप या अपने होम स्क्रीन पर आप फोटो सेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, दोस्तों को पास शेयर कर देना ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।